69,000 शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग की बैठक आज। शिक्षा विभाग के अफसरों के साथ मुख्यमंत्री योगी करेंगे बैठक। बैठक में शिक्षा मंत्री समेत विभाग के सभी अफसर रहेंगे मौजूद। सूत्रों के हवाले से खबर, बैठक में तय होगा कि सरकार हाईकोर्ट के फैसले को लागू करेगी या सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी। रामनगरी अयोध्या में रोजगार मेले में हिस्सा लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। रोजगार मेले का उद्घाटन करेंगे, टैबलेट वितरण करके युवाओं से होंगी मुखातिब। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशी विश्वनाथ पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री के रूप में 125वीं बार दर्शन किया वाराणसी दौरे पर योगी ने काशी विश्वनाथ में पूजा अर्चना। सीएम ने काशी विश्वनाथ का शोपचार पूजन किया और काल भैरव मंदिर में भी पूजा अर्चना की। योगी इससे पहले अधिकारियों के साथ बैठक करके विकास कार्यों का जायजा। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट के फैसले के बाद गर्मा गई सियासत। मेरिट लिस्ट रद्द होने पर शुरू हुआ आरोप प्रत्यारोप का दौर। हाईकोर्ट के फैसले पर बोली बीएसपी सुप्रीमो मायावती, कहा सरकार ने अपना काम निष्पक्षता से नहीं किया। उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती का परिणाम रद्द किए जाने के बाद एसपी सांसद डिंपल यादव ने कहा यह अच्छी बात है। मुख्यमंत्री योगी ने एसपी पर हमला करते हुए कहा कि चाचा भतीजा नौकरियों में करते थे जमकर वसूली। राहुल गांधी ने भी हाईकोर्ट के फैसले के बाद ट्वीट करके उत्तर प्रदेश सरकार को घेरा। लिखा है अहमदाबाद इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आरक्षण व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वाली बीजेपी सरकार की साजिशों को करारा जवाब। हरियाणा में दुष्यंत चौटाला की जेजेपी को बड़ा झटका लगा है। 24 घंटे में पार्टी के 4 विधायकों ने इस्तीफा दिया। वनेश्वर में इलेक्शन मामले में शरद पवार ने प्रधानमंत्री मोदी को घेरा, बोले जब यही है मंशा तो फिर हरियाणा और जम्मू कश्मीर के साथ महाराष्ट्र चुनाव का ऐलान क्यों नहीं किया गया। एमयूडीए जमीन स्कैम में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ केस चलाने को राज्यपाल की मंजूरी। एमपॉक्स बीमारी के खतरे को देखते हुए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की हुई अहम बैठक। अब तक का 30 मामले दर्ज। उदयपुर में सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए सभी स्कूल बंद रहेंगे, मोबाइल इंटरनेट सस्पेंड। उदयपुर हिंसा की घटना पर बोले कांग्रेस नेता सचिन पायलट, कहा कि ये चिंता का विषय है, जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो सरकार को इसके जड़ तक जाना चाहिए। अभिषेक मनु सिंघवी को मिली बड़ी जिम्मेदारी, कांग्रेस ने कानूनी मानवाधिकार और आरटीआई सेल का प्रमुख नियुक्त किया। 188 हिंदू शरणार्थियों को आज सीए के तहत भारतीय नागरिकता प्रदान करेंगे अमित शाह। कोलकाता रेप कांड के बाद सख्त हुआ गृह मंत्रालय, सूत्रों के हवाले से खबर। अब हर 2 घंटे में राज्यों को कानून व्यवस्था से जुड़ी जानकारी गृह मंत्रालय को सौंपनी होगी। कोलकाता पुलिस ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पास बीएनएस की धारा 163 लागू की, लोगों के इकट्ठा होने पर रोक।